तो रिजवान भाई शादी बहुत बहुत मुबारक हो भाई। काफी मायूस है भी। यहाँ पे दुल्हन का पैर धोया जाता है जब। हर उस नौजवान को एक मुनासिब हमसर करार दे। शिवा सिंधु अंदर कमरे में दम घुट रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर फ्रेश व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, सब आबाद होंगे। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब फैमिली ज्वाइन करने के लिए। अगर पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू। तो दोस्तों आज मैंने लाया आप लोगों के लिए एक लद्दाखी वेडिंग कल्चर, तो देख लेना यहाँ पे कैसी होती है शादियाँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज जो शादी होने वाली उसमें दूल्हा सिर्फ 7 साल का है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट लाइक और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट पे। तो आज हम अपनी लाल परी नहीं लेके जाने वाले, आज हम दूसरी गाड़ी लेके जाने वाले। तो आज इसको यहीं पे रखते हैं, नाराज मत होना आप। आज दूसरी गाड़ी लेके जाने वाले हम, आज लेके जाने वाले हम अपनी अल्टो KTN जिसका माइलेज है 25। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो इल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अलियुल अज़ीम। तो दोस्तों हम निकल गए हैं छानीगुंड से। तो छानीगुंड ऊपर है गांव, हमारे घर नीचे यहां पे रोड साइड में पड़ता है। तो गांव है ऊपर वहां पे, तो वहां पे शादी, एक शादी यहीं पे नीचे ही है। तो पहले ऊपर दूल्हे को भी कपड़े वपड़े पहना के नीचे लेके आएंगे। तो ये गाड़ी चला रहा हूँ ना आज, एक माचिस की डब्बी जैसी लग रही है यार। तो ये गाड़ी ना माइलेज के लिए बहुत फेमस है यार, 20-21 का माइलेज देती है। हमारे पास जो गाड़ी है वो 8-9 की माइलेज देती है। तो इस गाड़ी को मुझे बेचना है। तो ये मॉडल है 2013 मॉडल है, JK नंबर रजिस्ट्रेशन है। तो आस्किंग प्राइस है 175। अपने सब्सक्राइबर्स को थोड़ा कम करके दे सकता हूँ। अगर किसी को चाहे मुझे इंस्टा पे DM करना, इरफान चिलिस्तानी मेरा ID, और फेसबुक पर भी DM कर सकते हो और नीचे कमेंट में भी बता सकते हो। ये पहुँच गए हम छानीगुंड। तो जो मेरा फ्रेंड है जिसकी आज शादी है, उसने काफ़ी इंसिस्ट किया मुझे मेरा व्लॉग बनाओ बोल के, क्योंकि लाइफ में एक बार होती है शादी तो उसको अच्छे से एंजॉय करना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए शादी 2-3 बार होती है, क्योंकि 2-3 महीना रखने के बाद तलाक दे देते, ऐसा ईमान के कमज़ोर होने की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमारा कब्रिस्तान है गाँव का, यहाँ पर फातिहा वातिहा पढ़ के निकलते हैं हम। तो अब लोगों से एक ही एडवाइस करना चाहता हूँ मैं, जब शादी करते हो तो उसके बाद भी लॉयल रहो अपने वाइफ के साथ। शादी करने के बाद 2-3 महीने के बाद तलाक होता है यार, क्या ही फ़ायदा है किसी की बहन को ला के, किसी की बेटी को ला के ऐसे जलील करना अच्छी बात नहीं है ना। तो ऑल राइट गाइस, अभी गांव में पहुंच चुके हैं। तो गांव के टॉप में है आज शादी। हमारी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है, जूं ही पहुंचे दूल्हे को घर से बाहर निकाला है। तो ये है दूल्हे की गाड़ी। ओह नो माय जॉब, ओह नो माय जॉब। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो पढ़ने के बाद यहां से निकालेंगे हम। तो हमारे शेख जाकिर शादी के बारे में कुछ लाइंस बोलेंगे, जाऊंगा उनको। अस्सलाम वालेकुम शेख जाकिर साहब। वालेकुम सलाम इरफान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान चिलिस्तानी जो कि काफ़ी फेमस है, हर प्रोग्राम को जो है वो आते हैं और इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाते हैं, पैगाम पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ इरफान भाई, जैसे कि हमने पिछली मरतबा भी कहा था, ये इस्लाम का एक बहुत ही अहम फरीज़ा है शादी। आप शादी करें अगर आप फ़कीर हैं तो, और हम यही दुआ करते हैं कि खुदा बंदे करीम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हर उस नौजवान को एक मुनासिब हमसर करार दे। तमाम खुशियों में शरीक और गम में शरीक होने वाला साथी खुदा हर किसी को करार दे। शुक्रिया इरफान भाई। थे हमारे शेख जाकिर माने जाने अलमा। तो ये गांव का टॉप है, पूरे छनिगुंड का टॉप वाली है। तो अभी दूल्हे को लेके जाना है हरदास, दुल्हन है हरदास के, लेकिन दूल्हा चेक कर लो यार। लेकिन अच्छी बात है, गुनाहों से बचने का ही तरीका है बस। जी
जेब में थोड़ा ज्यादा लेके आना था पैसा, रुपया 20-30 हज़ार आ जाएगा मामे का। तो यहाँ पे दुल्हे के लिए चाय निकाला गया है, इनके फूफी की आंटी चाय निकालती इनके लिए। रिजी भाई शादी बहुत बहुत मुबारक हो भाई, हंस क्यों रहे हो? दूल्हे को गाड़ी में लगाएंगे हम। दूल्हे को गाड़ी में बिठा के यहाँ से निकाला है, तो हम इसी गाड़ी में जाने वाले थे लेकिन यहाँ पे बोल रहे थे सब साथ में जाओ, लेकिन हमने अपनी गाड़ी लेके आए थे वो यहाँ पे रख के नहीं जा सकते थे, तो वहाँ नीचे से हम जाएंगे। तो फिलहाल अभी अपनी गाड़ी लेके आएंगे। एक कांट हो गया, चाबी अंदर ही फंस गई और दूल्हा निकल गया, ब्लेट हो गया हमें। तो आधा घंटा मशक्कत करने के बाद गाड़ी की चाबी निकल गई, लेकिन सारी गाड़ियां दूल्हे की गाड़ियां सब निकल गई आगे। वो आई थिंक यहां से मेरे से 3-4 किलोमीटर आगे ये, तो मैं शॉर्टकट वाले रास्ते से आया हूँ। छांडवन में दो रास्ते, एक पीछे से जहाँ से हम आए थे, एक यहाँ से। यहाँ से हम सीधा मुंथांग वैली में पहुँचेंगे, तो हम पे छोटे छोटे इनको संभाल के चलना पड़ेगा। एंड टाइम पे कुछ ना कुछ होता ही होता है। देखो सारी गाड़ियाँ निकल गई, वरना हम दुल्हे के साथ ही जाने वाले थे। तो दोस्तों अभी मेन हाईवे पे पहुंच चुका हूँ, वहाँ पे दुल्हे की गाड़ी वहाँ आगे से जा रही है, देख सकते हो। हमें आधा घंटा लेट हुआ लेकिन दुल्हे की गाड़ी इतनी स्लो चल रही थी ना, हम पहुँच गए यहाँ पे, हमने शॉर्टकट लगा के पहुँच गए यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे भी बड़ा लाइट सिस्टम है, दुल्हे को सुबह 11-12 बजे दुल्हन के घर लेते हैं, फिर दिन भर वहीं पर रखते हैं। दिन भर रखने के बाद 3-4 बजे दुल्हन को वहाँ से रवाना किया जाता है। ये पहुंच गए हम हरदास्थांग में, यहाँ पे ऊपर जाने जा रही दूल्हे की गाड़ी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है हरदास्थांग में किसी शादी में जा रहा हूँ मैं, तो अभी फिलहाल दूल्हे की गाड़ी में जाएंगे हम। तो अभी यहाँ पे दूल्हे की गाड़ी रुक है, आगे जो गाड़ियाँ चल रही उन्हें तेल नहीं आया, तो यहाँ पे इनके मामे थोड़ा पैसे देते हैं यहाँ पे पेट्रोल के लिए, तो देखते हैं कितना देते हैं। अभी हम बोलते हमको क्या है, रात का रहो हमको क्या है, ऐसे निकाल के दे दूँ 100 रुपये। तो रिजवान भाई शादी बहुत बहुत मुबारक हो भाई, इतना जल्दी शादी किया, मतलब गुनाहों से बचने के लिए। कुछ कहना चाहते हो व्यूअर्स से? इतने हाथ, बस हाथ हिला रहे, इतना क्यों शर्मा रहे हो? अच्छा काम में शर्माना थोड़ी होता है। हाँ जानों के लिए एक मिसाल हो, आप करो फिर। हमारे दूल्हा बोल रहे पहले मुझे शादी करो बोल रहे, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। हमने एक Q&A क्वेश्चन में बोला था मुझे 35 साल के बाद करनी है, किसी अनाथ लड़की से करनी है, तो उसके लिए टाइम है मुझे। आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी भाई? लव मैरिज थी भाई की। ये दूल्हे से पैसा मांग रहे, लेकिन दूल्हा स्टूडेंट है अभी, कौन सी क्लास में है? 10th क्लास में स्टूडेंट है अभी दूल्हा, दूल्हा कैसे पैसा देगा? गाड़ी खराब हो गई तो मामा ने पैसा नहीं दिया, खत्म हो गया। आप क्या कर रहे हैं, तेल के लिए पैसे मांग रहे हैं? तेल भरा है, तेल भर क्यों भरा कर क्यों नहीं आए थे? तो आप लोग गजब बेइज्जती है मामे को, क्यों ऐसे ही क्यों? मामे ने बोला था मैं आगे पेट्रोल पंप में भर लूंगा, अभी तो बोल रहे हैं यार नहीं। बस बेमामा मान गए, यहाँ पे जेब में हाथ लगाए, देख सकते हो। ₹3,000 मांग रहे, देखो 3,000 ऐसा नहीं। तेल भर के आएगा, बस बस 500 काफी है। मामा ने 500 रुपये निकाला लास्ट में, तो हमारी गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं आ, यहाँ पे रखा। मामा ने पैसा दिया नहीं पेट्रोल के लिए, गाड़ी यहाँ पे रखा, हमने क्या करेगा? आपने बहुत अच्छा किया, अगर पेट्रोल का पैसा दिया था तो हम लेके आते। आपको मैंने लिफ्ट दिया ना? लिफ्ट दिया गाड़ी में, लिफ्ट दिया आपको। मामा ने वास्ता लगा के दाढ़ी पूरा काला काला कर दिया है। तो ये लड़की का सहला है, कुछ कहना चाहते हो? तो काफी खुशी हो रही है आज रिजवान भाई की शादी है,
आपको लगता नहीं है रिजवान ने थोड़ा जल्दी शादी किया? सही टाइम पे किया है, परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम लग रहा है भाई। आप कब करने वाले थे? बस कुछ महीनों के बाद में भी करने वाले। छोटे बच्चों का शादी करना एक ट्रेंड बन चुका है यहाँ पे भी। ये भी बोल रहे कुछ महीनों के बाद में भी करूँगा। ये जो बड़ी हार है ये घर वालों की तरफ से। अभी हर दस थल में पहुँच चुके हैं यहाँ पे, सब उम्मीद हो रहे दूल्हे को। यहाँ से उतरेंगे ना, यहाँ पे चाय निकाला है दूल्हे के लिए। ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, दूल्हे का जूठा पी लिया देखो। यह जो अच्छा रिंगमो अभी फिर से गाड़ी में बैठाएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, आज दूल्हे की खातिरदारी करनी पड़ेगी अच्छे से। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ दूल्हे राजा। सब्सक्राइबर है, देखते हैं वो लोग। हाँ, दूल्हे ने पूरा जूस, दूल्हे ने पूरा जूस का गिलास पी लिया। पहले एक बादाम खाओ, ताकत आ जाएगी। सब्सक्राइबर्स यहाँ पे भी अपने। यहाँ पे हाथ लगाते, यहाँ पे कुछ पैसे लगाते हैं। एक मिनट, एक मिनट, खता चीता या जिया अजंग लग खा तक चिकतुंग अजंग मना सिमार सुन 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 हर दस थंग में कुछ यहाँ पे भी चाहिए। लोकल पल्स निकाले गए यहाँ से, इस है, इसी साइड आ जाओ भाई। पे भी चाहिए, यहाँ पे भी निकलेंगे। फिर से जेब खाली हो गया हमारे मामे का, लेकिन जब पैसे देते तब पूरा पूछते दे रहे 1000 रुपया। ये है लोकल एप्पल, यहाँ हर रास्ते दूल्हे को इनसे उतार के चला के लेके जाएंगे हम। खतक सब यहीं पे रखो। या तो दूल्हे को चला के लेके जाएंगे हम। फिर मैं भी उतरूंगा यहीं पे। तो गाड़ी को यहाँ से लेके गए, अब यहाँ दूल्हे को लेके जाएंगे, लड़की के घर लेके जाते हैं अभी दूल्हे को। जेब खाली हुआ है हमारे मामा का। ये लड़की के घर में भी पहुंच चुके हैं। आजादी कौन है, आजादी कौन वाले, आजाओ वाले, आजाओ वाले, आजाओ वाले निकले सेना। तो यहाँ पे लड़की के घर में जाने से पहले एक बार फातिहा पढ़ के जाते हैं। अभी लड़की को घर के अंदर लेके जा रहे हैं। कुछ सिस्टम है ऐसा। हाँ,
पहले राइट पहले लेके सलाद भाई लेता हूँ दूल्हे के रूम तो अभी यहाँ पे चाय वही निकालते हैं। चाय वही निकालने के बाद एक दो घंटे रखते हैं यहाँ पे, तो एक दो घंटे रखने के बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। दूल्हे के साथ अंदर घुस गए हैं, फाउंडेशन लगा के आया। अभी दूल्हे का चेहरा रिवील हो चुका है। अरे लोटक फट लोग ना, अरे लोटक फट लोग ना, अनबलर रहा। जगह दे गेम पिका। अभी यहाँ पे चाय वाई लाए, चाय वाई पीते उसके बाद नमाज वमाज पढ़ के फिर दुल्हन को लेके जाएंगे यहाँ से। चाय पियो रिस्वान भाई, थक गए हो काफी। ये खाली कर दिया पूरा प्लेट, इसने पूरा खाली कर दिया। काफी परेशान में हमारे दूल्हा देख सकते हो। तो अभी खाना वाना चाय वही हमने पी लिया है, तो अभी यहाँ पे नमाज वमाज पढ़ते, नमाज वमाज पढ़ने के बाद खाना खिलाते, उसके बाद दूल्हे को निकलते हैं। लेकिन दूल्हे को अभी मायूस है, अभी कुछ नोटिस कर रहे हो आप लोग? मैंने मेहंदी भी लगाई। चलो नमाज पढ़ के आएंगे, तो अभी हम फिलहाल बाहर आए थे यहाँ पे थोड़े रिलैक्स होने के लिए। अंदर कमरे में दम घुट रहा था, तो फिलहाल थोड़ा रिलैक्स होएंगे बाहर यहाँ पे। कभी एक चैनल है यार, ये भी मेरा कॉपी कर रहा है, हसनैन चिलिस्तानी, इसका चैनल का नाम है। तो ये दुल्हन की गाड़ी, इसको थोड़ा अभी सजाना है अच्छे से। बलेनो, वाओ, साउंड चेक कर लो एक बार। स्मूथ साउंड है बिल्कुल। हसनैन भाई, हमारी गाड़ी अच्छी है कि ये गाड़ी अच्छी है? आपकी गाड़ी अच्छी है। मेरी कौन सी वाली? लाल परी। लाल परी, देखो बच्चे बच्चे को गाड़ी का नाम पता है। तो अभी 2 बजे यहाँ पे खाना देते सारे गांव वालों को, कल रात को ही ख़त्म किया है। तो अभी जो मेहमान आए छाणीगंज से, उन्हें 2 बजे दिया है। मेरे साथ कुछ बंदे, ये हमारे जाकिर भाई, ये एहसान भाई, ये एजाज। तो एजाज को तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि उसका जो शादी का वीडियो था वो 2 लाख प्लस व्यूज आए उस पे, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी 20K प्लस आया उस वीडियो में। लोग मुझे भी सिखाना, क्या करोगे व्लॉग बना के? यूट्यूब चैनल खोलेगा। अभी तक 4 व्लॉग मैंने बनाए शादी के, लेकिन इस बंदे को आपने देखा होगा हर शादी में, इन दोनों बंदों को बिन बुलाए आने से ही होते हैं। देखो भाग रहे अभी, तो इनके लिए हम चिकन विकन लेके आएंगे पैक करके, इनको भी भूखा नहीं रख सकते ना। तो अभी यहाँ पे खाना वाना खाएंगे, उसके बाद निकालते हैं दूल्हा को खाना खाने के बाद। मैं दूल्हे को बोल रहा हूँ कि थोड़ा चेहरे में स्माइल लग दे, लेकिन चेहरे में स्माइल ही नहीं आ रहा है, क्या बात है? जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, थोड़ा स्माइल ला के खुश रहना। 2 घंटे से ऐसे ही बैठे हुए आज का लंच। तो भी यहाँ पे कसीदा पढ़ा जाता है, कसीदा पढ़ने के बाद लड़के को यहाँ से रवाना किया जाता है। अभी लड़की को तैयार कर रहा है उस साइड। भाई बाहर थे, मंजूर भी बाहर थे, तो चिकन लेके आए थे, ले लो भाई चिकन खाओ, वहाँ पे पीछे जाके खाओ।
तो ये हुंडई वालों की वेन्यू, तो ये दुल्हे की गाड़ी, इसको अभी डेकोरेशन किया अच्छे से। तो जो लद्दाख के बाहर से जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो ये है एप्रिकॉट, जो खुबानी होता है उसको सुखा के सर्दी में, मतलब इसका सब्जी भी बनता है, सर्दी में इसको खाते हैं यहाँ पे, एप्रिकॉट बोला जाता है, काफ़ी फेमस है, अभी वेस्टर्न में भी ये एक्सपोर्ट होता है। अभी रिश्तेदारों के घर लेके जा रहे हैं दुल्हन को, ले लो टॉफी खाओ, ठीक है। यंग में चिक्सा होती है। तो अभी दूल्हे को तैयार कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, अभी यहाँ पे अंदर दुल्हन को रखा है, तो यहाँ पे अंदर जाके स्टेज में रुपया 5,000 लगाए उनके मामा ने, तो स्टेज में 5,000 लगाने के बाद अभी दुल्हन को सजाया जाता है, उसके बाद निकाला जाता है। तो अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम लोग दुल्हन का। हमारे साथ एक सब्सक्राइबर है, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोगों के लिए, क्या बोलना चाहते हैं? इरफान भाई के व्लॉग को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आप भी बनाना चाहते हैं व्लॉग? अभी दुल्हन को निकाला है यहाँ पे बाहर, दो हालान है, अब इनको दो दुल्हन क्यों लाते हैं फिर, सिस्टम है पता नहीं। तो यहाँ पे दो दुल्हन लाया था, हमने सोचा था दोनों दुल्हन को यहाँ पे मामा के सामने लाते, फिर वो पहचानेगा कौन से हमारी दुल्हन है, अगर गलत बोला तो कुछ फाइन वाइन लेते। हमारा चंदन बहुत अच्छा है, हाँ हमारा इलाके में बहुत माया हुआ है, तू माया हुआ। हमारे चाचा इस्माइल टॉप पे चढ़ गए यहाँ पे नजारा लेने के लिए। तो अभी फिलहाल दुल्हन को यहाँ पे घर में अंदर जाके पापा और मम्मी से मिलाते। अभी दुल्हन का सामान आ रहा है, दूल्हे को तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। अभी दूल्हे को भी लेके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि दुल्हन को निकाला है यहाँ से। और तो अभी लड़के को यहाँ पे निकाला है बाहर, लड़की को पहले लेके गए। खुदा से दूल्हे को यहाँ से निकाल रहे, दुल्हन पहले यहाँ पे गाड़ी में पहुंची है। दूल्हे और दुल्हन दोनों को गाड़ी में बिठाया है, तो अब निकलते हैं यहाँ से। सबसे हार्ड टाइम दुल्हन के लिए ही होता है,
जब वो अपना घर छोड़ के चली जाती है यहाँ से। सिस्तानी भाई है तो ये मेरी बहन है, कजन लगते हैं मेरी। तो आज इसका उम्र जब हम बड़े थे इस टाइम मतलब बहुत छोटी थी है, तो हमें दुख इस बात की है कि मतलब इसने बहुत कम उम्र में शादी की है। इसकी ना उसकी लगभग 18 से ऊपर होगा, लेकिन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। फटाखे तो हर जगह लगाए जाते हैं, यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ भी निकल चुकी है यहाँ से। निकल गए यहाँ से दूसरे, तो हम भी निकलते इस गाड़ी में। चलो फिर, यहाँ का रिवाज भी खत्म हो चुका है, सब सीधा दबा के निकलते हैं यहाँ से। ये क्या बोल रही, छम बिली, वो छम बिली, पता नहीं कौन सा वर्ड यूज कर रही है। वो लोग चश्मा का तो मोबाइल चाक से कहाँ चलो, लेकिन ये हमारा काम है यार, हम काम से कैसे। तो बाकी गाड़ियाँ पीछे आ रही है, भाव ही ना देखे तो। योजनी अच्छा थी ना, दोस्तों हमने यहाँ पे गाड़ी रखा था, मंजूर भाई थैंक यू यहाँ तकलीफ देने के लिए। तो हमने गाड़ी रखा था यहाँ पे नीचे, ये हमने कुछ फैंस है यहाँ पे। अपनी गाड़ी पे जाएंगे, वहाँ पे अपनी गाड़ी रखा है हमने। तो हमने अपनी KTM यहाँ बीच रास्ते में रखा था, दूल्हे की गाड़ी के सामने ही पहुँचे, देख सकते हो। दूल्हे का ख्याल रखना अंदर, चलाने में तो अपनी गाड़ी में ही फील आता है बस। यहाँ पे कुछ हमारे साथ कुछ सिस्टर्स आई थी, उन्हें हम मैंने किसी दूसरी गाड़ी में लगाया। ये ब्रिज चेक कर लो गाइस, बुर्ज खलीफा, हरदास का बुर्ज खलीफा। पाकिस्तान की वाइब्स आ रही यहाँ पे। ये गाड़ी आज कैसे मायूस होके हमें देख रही है, देखो। तो फाइनली छाणीगुड़ में पहुंच गए, बारात पीछे पीछे से आ रही है, तो यहाँ से हम गाड़ी चेंज करेंगे। आप लोगों को शादी में मजा आया कि नहीं? ये होता है रियल एंजॉयमेंट। तो अभी फाइनली दुल्हे के घर पहुंच चुके हैं, सारी बाराती, सारी गाड़ियां पहुंच चुकी है दुल्हे के घर। अभी दुल्हन यहां पे पहुंच चुकी है घर में, देख सकते हैं। अच्छा, ये हाथ का मेल है, ये आता है जाता है, सही है सही है सही है। हाँ, जब वहाँ पे नीचे तेल के लिए पैसे देते होगा, 200 रुपये दिया था बस। इनको रास्ता दिखाने के लिए बैठा हूँ मैं। सीधा ले
यहाँ पे दुल्हन के वेलकम के लिए कुछ निकाला गया है। हमारा लड़कों ने यहाँ पे रिबन लगाया है, रिबन खोलने के लिए 10,000 मांगने ही नहीं। लड़की का मामा कुछ पैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे दुल्हन का पैर धोया जाता है जब वो घर के अंदर पहली बार आती है। ये दुल्हन पहुंच चुकी है घर के अंदर, इनके कदम शुभ हो। लेकिन हिंदी का अम्बो जापत लड़का और लड़की दोनों को साथ में रखते हैं। यहाँ पे लड़के को लाया जाता है। तो यहाँ पे शादी खत्म हो चुकी है, अब निकलते हैं यहाँ से। हम ये कुछ मेहमान आए यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी खाने के लिए टेंट लगाया गया है। पूरे गांव वालों को एक ही साथ खाना दिया जाता है। यहाँ पे 1,24,000 के खातिर आखरत को न बेचे, लिहाजा इस दुनिया के जरिए से आखरत तक पहुँचने के लिए कोशिश करें। तो अभी शादी इख्तिमाम हो चुकी है, सारे लोग यहाँ से जा रहे, तो बस यहीं पर शादी खत्म होती है। अभी वो हमारे अल्ताफ भाई भी आए शादी में, जीतने के बाद चेहरे के रंग ही चेंज हो गए भाई अल्ताफ भाई का। The next morning. तो दोस्तों यहाँ पे शादी खत्म हो चुकी है, तो इस व्लॉग पे इतना ही था। यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। तो मिलते हैं किसी शानदार से व्लॉग पे, तब तक ख्याल रखना अपना और चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करना। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस व्लॉग में क्या खामियाबी थी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे प्यारे प्यारे कंटेंट्स में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो खुदा हाफिज़, वस्सलाम अलैकुम।